Hello everyone, my name is Sudha. I am working in DTC Skin Clinic as a laser technician. हमारे पास बहुत सारे laser hair reduction के patients हैं जिनके कई सारे questions होते हैं. कुछ questions के जवाब कभी कभी मैं भी नहीं दे पाती हूँ. आइए चलते हैं डॉक्टर रोहित गोयल के पास, उन्हीं से इन सवालों के जवाब देते हैं. सर, जैसे हम लेजर हेयर रिडक्शन में पेशेंट्स को 10 सेटिंग देते हैं, तो उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या 8 से 10 सेशन में कंप्लीट हेयर रिडक्शन हो जाएगा या और सेशन उनको लेने पड़ेंगे. तो भाई ऐसा होता है कि जैसे लेज़र हेयर रिडक्शन डिपेंड करता है कि किस पेशेंट का हो रहा है. अगर पेशेंट को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे PCOS की प्रॉब्लम है या उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो हो सकता है कि हमें 10 सेटिंग के बाद भी कुछ सेटिंग्स दोबारा देनी पड़े. मगर हमेशा ऐसा नहीं होता. जिनके जनरली फैमिलियर हैं हेयर्स, उनके 7 to 10 सेटिंग्स के बाद दोबारा हेयर रिमूविंग की सेटिंग्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो मेन हार्मोनल का भी थोड़ा इशू रहता है जिनको, उनको सेशन ज़्यादा लग सकते हैं. हाँ, जिनको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उनको सेशन ज़्यादा लग सकते हैं. सर, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कई पेशेंट्स पूछते हैं कि हम लेजर करते वक्त रिज ऑफ करते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि कई रिज ऑफ के बाद ये हार्ड तो नहीं आएगा. नहीं सुबह, ऐसा नहीं होता है कि लेज़र जो होता है उससे कटिंग करने से हार्ड हो जाते हैं. तो कुछ लोगों को देखा होगा कि हेड शेव भी करवाते हैं, बेचारे सोचते रहते हैं हेयर आ जाएगा. मगर ऐसे हेड शेव करने से कोई हेयर ग्रोथ नहीं होती है, ना ही फेस पे. अगर हम लेज़र यूज़ करते हैं तो ऐसे कोई ग्रोथ होती है. तो जैसे एक सवाल मेरा भी है कि रेज ऑफ करने का डायरेक्शन भी होता है कि किसी भी डायरेक्शन में रेज ऑफ कर सकते हैं. नहीं, बेसिक जो हमारा होता है लेज़र हेयर रिडक्शन से पहले हेयर रिमूव करने का रेज़र से, उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो हम लेज़र दे रहे हैं, लेज़र की जो हम फ्रिक्वेंसी रख रहे हैं, जो हम डोज रख रहे हैं, अगर मान के चलो 23 जूल रख रहे हैं और हमने हेयर के साथ में उस डोज को दे दिया, तो बहुत सारी एनर्जी जो है जो अपर हेयर है हमारा, जो हमारे दिख रहा है एक्सटर्नल हेयर, वही ऑब्जॉर्व कर लेगा और वो लेज़र की जो एनर्जी है वो पूरी अंदर नहीं जाएगी, जिस वजह से रिजल्ट में हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो अच्छा है कि हम पहले ही उसको रिजॉल्व कर लें और जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी अंदर डिलीवर होगी, तो रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा इम्प्रूव होते हैं. रेज ऑफ की डायरेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करती है. बस ये है कि हमारे को मिनिमम 1 mm तक किसी तरीके से छोड़ना है, उससे ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा रिजल्ट में इशू आ सकता है. जैसे सर, कई पेशेंट्स का सवाल होता है कि लेज़र से स्किन टोन भी इवन होता है, जैसे किसी का डार्क है अंडरआर्म्स वगैरह पे, तो लेज़र से उसको लाइट भी हो सकता है. एक्चुअली लेज़र का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो होता है कलर को एब्जॉर्ब करना. तब जब भी हम लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए लेज़र करते हैं तो जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होता है वो हेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है. मगर कुछ लोगों का जिनका अनइवन स्किन टोन होता है, कहीं कहीं पे स्किन में जो है कलर ज़्यादा होता है, तो पिगमेंट भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से कई बार हमारे को बेनिफिट देखने को मिलता है कि वहाँ के जो स्पॉट्स हैं या फिर अनइवन स्किन टोन है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. जैसे हम अंडर आर्म की बात करें, अंडर आर्म जब हमें हेयर रिडक्शन जब करते हैं तो साथ के साथ पिगमेंट भी कम होता है. दूसरा, आप देखोगे कि हेयर में जो रूट्स होते हैं वो रूट्स अगर थिक हेयर है तो ज़्यादा देर दिखते हैं, उस वजह से भी इवन टोन दिखता है. वहाँ का स्किन जो है जहाँ पर हेयर ज़्यादा है पिगमेंट ज़्यादा दिखता है. जब हेयर ही वहाँ पर नहीं रहेगा तो वो जो पिगमेंट है वो भी नहीं रहेगा, तो टोन में तो डेफिनेटली इफेक्ट आ ही गया है. कई पेशेंट का सवाल होता है सर कि लेज़र का जैसे 1-2 महीने बाद रेगुलर लिया उन्होंने सेशन, उसके बाद अगर उनका गैप हो जाता है तो उससे भी रिजल्ट में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? हाँ, इसमें रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारी हेयर की साइकिल होती है वो 28 डेज में शिफ्ट होती है. तो पर्टिकुलर जो एनाजम फेस होता है उस पर्टिकुलर फेस के अंदर ही हमारी लेज़र वर्क करती है. और अगर हम 28 डेज से ज़्यादा गैप करते हैं, वो 1 or 2 डेज़ की बात अलग है. अगर 15 डेज या 20 डेज या फिर हम पूरा 1 month का ही गैप कर देते हैं तो वो रिजल्ट में हमारे चेंजेस आ सकते हैं. तो बेटर यही है कि टाइम टू टाइम अपनी लेज़र का सेशन लिया जाए अच्छे रिजल्ट्स के लिए. थैंक यू सर, ये मेरे और कुछ पेशेंट्स के डाउट्स थे जो क्लियर हो गए हैं, तो मैं इजीली बता सकती हूँ कोई पेशेंट अभी मेरे से पूछता है तो इस बारे में. थैंक यू. अगर आपको लेज़र हेयर रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो हमारे DTC स्किन क्लिनिक पे आप विजिट कर सकते हैं. आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं जैसे सुधा ने पूछा. थैंक यू.